गिरधर की कुंडलियां नंबर दो। गिरधर की कुंडलियां कवि गिरधर ने लिखी है। कुंडली इस तरह से है, कमरी थोड़े दाम की बहुत आवे काम, खासा मलमल वाफ था उनकर राखे मान, उनकर राखे मान बंद जहां आड़े आवे, बगुचा बांधे मोट रात को झारी बिछावे, कह गिरधर कवि राय मिलत है थोरे दमरी, सब दिन राखे साथ बड़ी मर्यादा कमरी। यहाँ इस कुंडली में कवि साधारण कम्बल के उपयोगिता पर प्रकाश डाल रहे हैं। वे कहते हैं कि कमरी थोड़े दाम की, ये जो कमरी है कम्बल है यह थोड़े मूल्य में प्राप्त हो जाता है। इस सस्ती कमरी के बहुत से लाभ भी है, ये हमारे बहुत प्रकार से काम आती है। जैसे खासा मलमल वाफ था, खासा उत्तम प्रकार का मलमल, मलमल का कपड़ा, और वाफ था ये भी एक प्रकार का महंगा कपड़ा है। तो कीमती कपड़ों को धूल और पानी से बचाने के लिए हम इस कमरे का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब कि कीमती कपड़े जो हैं इसको हम कम्बल में या कमरी में लपेट कर उसकी रक्षा कर सकते हैं। उनकर राखे मान बंद जहां आड़े आवे, अर्थात उन कीमती कपड़ों को इस कम्बल के अंदर बांध कर हम सही सलामत रख सकते हैं। बगुचा बांधे मोट, बगुचा यहां पर एक तरह से आप देखें कि चारों तरफ से पैक कर देना, कीमती सामान को इसके अंदर डालकर हम रख सकते हैं। गठरी बनाकर रखने के अर्थ में भी है कि फोल्ड करके इसकी गठरी जैसी बनाई जा सकती है। रात को झाड़ी बिछावे, रात के समय झाड़ी झाड़कर बिछावे बिछाना, आवश्यकता पड़ने पर हम इसे झाड़ साफ कर कर जगह बिछाकर सो भी सकते हैं। कह गिरधर कवि राय मिलत है थोड़े दाम की, कवि गिरधर कह रहे हैं कि यह जो कमरी है या यह जो कम्बल है थोड़ी हसी कीमत में हमें प्राप्त होता है। सब दिन राखे साथ, इसे हमेशा साथ में रखना चाहिए, बड़ी मर्यादा कमरी, इसकी बहुत सी मर्यादाएं हैं, ये हमारे बहुत से काम आ सकती है। संक्षिप्त में हम कहें तो कमरी के बहुत से गुण हैं। यह शरीर को ढकती है, उसमें सामान बांधकर गठरी बांधी जा सकती है, कीमती कपड़ों की हिफाजत कर सकते हैं उसके अंदर रखकर, रात्रि होने पर इसे बिछाने के रूप में भी या बिछाने के रूप में भी काम में लिया जा सकता है। थोड़े से रुपये में मिलती है और ये हमारे बहुत उपयोगी है। इसकी कीमत सस्ती है पर इसके गुण बहुत हैं, ये हमारे बहुत से काम आती है। कमरे का अर्थ छोटा कम्बल भी है।